स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज छछरौली में आयोजित हुई बसपा व इनेलो की एक संयुक्त चुनावी सभा को बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती द्वारा संबोधित किया गया। हजारों की भीड़ के बीच कुमारी मायावती ने इंडियन नेशनल लोकदल व बसपा के संयुक्त गठबंधन के प्रत्याशियों को विजयी बनाने का आह्वान किया। इस चुनावी रैली में सढ़ौरा विधानसभा सीट से बसपा इनेलो के संयुक्त प्रत्याशी ब्रिजपाल छप्पर ने भी संबोधित किया। आइए उनका संबोधन सुनते हैं। इस जनसभा को संबोधित करने का काम करें भाई ब्रिजपाल छप्पर जी। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनेलो बसपा गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय दूर दूर से आए हुए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, आपका जोश ये बता रहा है कि हरियाणा प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। साथियों, चारों तरफ से मैं देख रहा था, सड़कें जाम है, बिलासपुर पूरी तरह जाम है और जगाली तक बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। और मैं देख रहा था कि छछरौली साइड से भी पूरे रोड जाम है, बहुत मुश्किल से यहां पर पहुंचे हैं। साथियों, आज छत्ती बरादरी के लोग आज घरों से निकल करके बहन मायावती का और आदरणीय चौटाला साहब का सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। मेरी तो आपसे हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना है, जिस प्रकार ये लहर चल रही है, यमुनानगर की चारों की चार सीटें जीत करके बहन कुमारी मायावती आदरणीय अभय सिंह चौटाला की झोली में डालने का काम करेंगे। हमें उम्मीद है, भरोसा है कि चारों की चार सीटें बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। लेकिन केवल चार पांच दिन चुनाव में रह गए हैं, इसमें घर नहीं बैठना है। मेहनत बहुत कर ली आपने, दिन रात संघर्ष किया सभी साथियों ने और हवा बनाने का काम भी आप साथियों ने किया। आज आपको देख करके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह घबरा चुकी है। जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का किसी भी विधानसभा में आ रहा है, सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि भाई हाथी से और चश्मे से बचो। उन्होंने देख लिया कि हाथी और चश्मा अब की बार विधानसभा का दरवाजा खोल लेगा साथियों। लेकिन दिन रात कड़ा संघर्ष करना है, जब तक 5 बजे तक साथियों वोट पोल ना हो घर नहीं बैठना है। मैं विशेषकर अपने सढ़ौरा के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं का, माताओं का, बहनों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने लगातार पिछले 17 दिन से चुनाव को, जिस दिन हमने टिकट मिला था पत्रकार ये कह रहे थे कि सढ़ौरे में ट्रायंगल मुकाबला हो गया, लेकिन जय जय चुनाव चला, साथियों नामांकन पत्र भरा। मैं धन्यवाद करता हूं सढ़ौरे के लोगों का, जिन्होंने यमुनानगर जिले के अंदर 11 तारीख को जिस दिन नामांकन पत्र भरा साथियों, 2200 गाड़ियों का काफिला लेकर के साथियों बिलासपुर के अंदर गए साथियों। उसी दिन से चुनाव साथियों सढ़ौरे का एक साइड में हो गया। आज पत्रकार कह रहे हैं, सियाड़ी वाले कह रहे हैं कि सढ़ौरा विधानसभा की सीट पहली बार हाथी जीत करके विधानसभा के अंदर जाएगा साथियों। बस मेरी आपसे हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना है कि समय बहुत कम रह गया है, अपने अपने बूथ को मजबूत करो, हर आदमी से संपर्क करो, कोई भी आदमी जिससे आप मिलना चाहो मिलो, फोन करो, कोई आपको जवाब नहीं देगा साथियों। आज हर आदमी गठबंधन के प्रत्याशी से जुड़ना चाहता है और मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है, यमुनानगर की सीट भी भारी मतों से जीतेगी और बिलासपुर की सीट भी भारी मतों से साथियों जीतेगी। और मुझे पता लगा है